हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये लॉकडाउन काफी लंबा चल चुका है, काफी लंबा बढ़ गया और 40 दिन अप्रॉक्स हो चुके हैं इस लॉकडाउन को और इतना लंबा कोई भी पैच कोई भी सर्विस नहीं चलता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये आप घर में भी आप ये सारे सोल्यूशन कर सकते हैं। इस पैच को हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस पैच को बहुत इजिली मेंटेन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि मेरे क्लाइंट्स मेरे को रोज फोन करते हैं, पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर पैच आगे से लूज हो चुका है या पीछे से लूज हो रहा है या सर हट ही चुका है वो सर पे से या उनकी ग्लू मेल्ट हो रही है नीचे से। तो आज इन सारे क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इन सारे प्रॉब्लम्स का मैं अपनी तरफ से एक टिप्स देना चाहता हूँ जिससे के लिए आपको बाहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी ये सारी टिप्स ट्राई कर सकते हैं। तो पहली टिप है कि लोग बात कहते हैं आगे से लूज हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आगे से या पीछे से जिसका भी लूज हो रहा हो वो एक काम कर सकते हैं, अच्छे से प्रॉपरली पैच को शैम्पू कंडीशनर करें, अच्छे से उसे थॉरली वॉश कर लें। शैम्पू कंडीशनर करने के बाद जहां से भी उनका पैच आगे से या पीछे से लूज हो रहा है, जिसे हम सर्विस करते टाइम टॉवल रख के उसे प्रेस करते हैं, ऐसे ही आप घर पे कर लीजिए। टॉवल रखिए, उसे अच्छे से दबाइए, पूरा कॉर्नर में थे अच्छे से प्रेस करके, और उसके बाद ड्रायर अगर हो आपके पास ड्रायर से उसे ड्राई करिए। नॉर्मली 2-3 मिनट ही आप ड्रायर करते होंगे बालों को सुखाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, 4-5 मिनट आप ड्रायर करिए, जिससे आपका वो नीचे का जो ग्लू है उसमें बचा हुआ ग्लू है पैच में वो मेल्ट हो, और मेल्ट होके आपका नीचे स्कैल्प को पूरे अच्छे से होल्ड कर ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपका जो बचा हुआ ग्लू है वो दोबारा होल्ड करके आपको एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा कहते हैं लोग ग्लू मेल्ट हो रहा है सर, काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, नीचे वाले बालों में लग चुका है या खिसक रहा है पैच आगे पीछे हो रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ जहां से भी ग्लू मेल्ट हो रहा हो आपका, आप एक काम करिए घर में बाइक या कार से थोड़ा सा पेट्रोल निकालिए, एक कॉटन में लीजिए, जहां से भी मेल्ट हो रहा है, जैसे यहाँ बालों में आगे मेल्ट हो गया, यहाँ लग रहा है नीचे, तो जहां से भी हो रहा है वहां से ऐसे ऐसे करके आप उसे कॉटन से रब कर सकते हैं। रब करने के बाद वो क्या बोलते हैं जहां से भी होगा वो मेल्ट होके ग्लू हो वो पिघल जाएगा, और एक पतला फॉर्म जो पतले स्पोक्स का होता है एक कंधा, उससे आप ऐसे सुलझा के और अच्छे से शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं, और अपना कपड़ा बांध लीजिए जिससे वो भी अच्छे से होल्ड कर जाए, और नीचे का वो आपका शैम्पू कंडीशनर से ग्लू हो जो मेल्ट हो रहा होगा वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा ये है, जैसे कहते हैं कि पूरा हट ही चुका है, अब हटने का सर इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन ये है कि आप अगर हट ही गया है तो आप उसे फोल्ड करके अपना पैकेट में पैक करके अपना पैक अपना सेफ रख सकते हैं, क्योंकि सर ये पैच खराब नहीं होता है, आप उतार के कितना भी टाइम रख सकते हैं उसे अगर हट ही गया। अगर आप कर सकते हैं तो एक काम कर लीजिए, आपको लगाना ही है तो उस पर बैंडेज आती है, आप क्या बोलते हैं वाटरप्रूफ बैंडेज ले सकते हैं, वाटरप्रूफ बैंडेज यू शेप में करके आप पैच में लगा स्टिक कर सकते हैं चारों साइड, आगे पीछे दो साइड में, तो 4 बैंडेज से आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन चलेगा वो 1 से 2 या 5 दिन। उतार के टेप जहां टेप अंदर लगती है उसी साइड से आप ऐसे उसे फोल्ड करके और उसे पैकेट में रख दीजिए, उससे क्या है आपका पैच खराब भी नहीं होगा और वो रखा भी रहेगा, क्योंकि सर अभी हमारा हमें ओपनिंग करने का अभी कोई परमिशन नहीं है। इस चीज को गाइडलाइंस अगर आप देखें अगर समझे, ओपन करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, हम ओपन कर ही नहीं सकते, चोरी छुपे जो लोग कर रहे हैं सर उनका कोई हम भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये संक्रमण ये कोरोना वायरस ये थोड़ा सा डेंजरस है सर, आप बाहर निकलने से सोचिए, जैसा भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है हम उस हिसाब से अपना ओपन करेंगे रीओपन करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलेंगे, जैसे उसमें क्या बोलते हैं प्रॉपर जनरल अवेयरनेस दी हुई है, आप क्या बोलते हैं प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखिए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, उस हिसाब से काम होना चाहिए, आप अपना प्रॉपर क्लीनलीनेस रखिए, वहां हाइजीनिक होना चाहिए, तभी आप जाके कराइए, आप खिलवाड़ मत कीजिए सर, आपकी खूबसूरती आपकी जान से ज्यादा नहीं है, तो आप ये कर लीजिए, आप थोड़ा सा वेट करिए, और ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आप इसे यूज करके थोड़ा सा पैच एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का पैच बिल्कुल ही हट गया उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप ऐसे फोल्ड करके उसे रख सकते हैं या फिर बैंडेज से आप स्टिक कर सकते हैं, बैंडेज से 1-2 दिन या 3-4 दिन आपका चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो जैसा भी अगर मैंने इस वीडियो में आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की हो तो मुझे बताइए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी आपका इशू कोई अनदर क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो आपकी कि मेरे को मैं उस चीज को नहीं छू पाया या मैंने छोड़ दिया,
तो आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स प्रॉपरली खुला हुआ है, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पर्सनली दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। अगर ज्यादा कोई मैंने कई सारे पॉइंट छोड़ दिए तो मैं उसमें नई वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको कोई भी डायरेक्टली पूछना है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पे आप सुबह 10 से रात 9 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं। बाकी इस वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।